इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, जहां आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों में हर रेंज के कूलर, एसी, फ्रिज, डिफ्रीजर, पंखे, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, स्मार्ट टीवी, म्यूजिक सिस्टम, मिक्सर, जूसर और वो सब कुछ जो बनाता है आपकी जिंदगी को आसान। गर्मी के मौसम में स्पेशल ऑफर का मौका न चूके। हमारा पता इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस, आनंद नगर मेन रोड, BF ऑफिस के सामने। संपर्क रविश बाहिती 9407436996। गरीब की कोई नहीं सुनता साहब, मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की दर्दनाक मौत देखी है। उस समय लाचारी की है कि मुझे आज घर की बेहद खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए मदद के लिए कलेक्टर साहब से गुहार लगाने आना पड़ा। अगर मेरे घर की हालत अच्छी होती तो मैं घर से भी नहीं निकलती। हमारी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। रोते हुए यह शब्द उस माँ के है जिसने मंगलवार को रोसिया फाटे पर अपनी मासूम बेटी की दर्दनाक मौत को अपनी आँखों के सामने देखा था। हादसे के बाद पूरा परिवार टूट चुका है। प्रशासन की उदासीनता के चलते अब तक इस परिवार की कोई भी मदद करने नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर बंगाली कॉलोनी निवासी मृतक तमन्ना के पिता हैदर अपने परिवार के सहित कलेक्टर कार्यालय मदद की गुहार के लिए पहुंचे, लेकिन कलेक्टर की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर अनुभा जैन से मिलकर इस परिवार ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। क्षेत्रवासियों के अनुसार घटना को लगभग 3 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन प्रशासनिक मदद नहीं मिली। लोगों ने बताया है कि 3 दिन में किसी भी अधिकारी ने इस परिवार से संपर्क नहीं किया। इधर अपर कलेक्टर ने बताया कि तमन्ना के परिजन आज सहायता के लिए मिले थे। इस परिवार ने एक लाडली बच्ची को खोया है। परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी। प्रशासन की जिस स्कीम से भी इनकी सहायता संभव होगी वह की जाएगी। साथ ही तमन्ना की छोटी बहन की शिक्षा की मदद के लिए जो बेहतर होगा किया जाएगा। ये हम लोग ना मदद के लिए आए हैंगे यहाँ पर। मेरी बेटी है ना 11वें साल में चल रही थी, हम लोग बढ़वाए जा रहे थे। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से उधर से ट्रक आ रहा था। ड्राइवर ने ऐसा खतरनाक काटा झटके से कि मेरी बेटी है थोड़ी ऐसी हो गई थी, मुंडी बाहर हो गई थी, तो उधर से ट्रक आया तो ऐसा खींचते हुए ले गया। मेरी एक बेटी ऐसी टकरा के हो गई और एक बच्ची, मतलब घर में कौन कौन है? मेरे आदमी हैं, उनका पति है, दो लड़की है, उनका पैर भी ऐसा है, अपाहिज है वो भी, और मैं भी काम करने जाती हूँ। हमने बहुत दुख मुसीबत से दोनों बेटियों को परवरिश करे हेंगे। ना हमारा कोई लड़का भी नहीं है, ना कोई भी नहीं, हमारा सहारा कोई नहीं। हम दोनों ही मियाँ भी एक दूसरे के सहारे थे। ये ऐसी खतरनाक घटना हुई, कोई आया भी नहीं मदद के लिए। बहुत चिल्लाई में सब भाग गए हेंगे, कोई भी नहीं आया। हमने इसके पापा को बुलाई फ़ोन करके, मेरे देवर को बुलाया, तो हमने प्राइवेट गाड़ी करके आए, कोई भी नहीं आया मदद के लिए। लोगों से धार पाओ लेके तो ये ऐसा क्यों करे? मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो किसी ने सहायता के लिए क्यों नहीं आया? आना था ना, और मेरी मासूम बच्ची थी। हमको मदद चाहिए, मदद चाहिए मेरे को, कि जो हादसा ऐसा हुआ है, मेरी बेटी की ज़िंदगी सवा जाए। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरा आदमी भी अपाहिज है, ये भी है, मेरी बच्ची की ज़िंदगी सवा जाए दूसरी की। ठीक, पानी पिला। क्या पानी?